हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें हम इस वीडियो में देखेंगे पुस्तक और उनके लेखक। जैसा कि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें जी के पूछी जाती है दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल 110% है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें आता है जी के पोर्शन। इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वन बाय वन करके हर एक बुक के नेम जो कि इम्पोर्टेंट है। और अभी जी एग्जाम चल रहा है RRB का, उसमें तो दोस्तों पर डे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं बुक से ले, यानी बुक कौन सी बुक है और क्या उसके कौन लेखक हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बुकों के नाम और राइटर। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड आपको उसी बटन के बाजू में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो इस पर लाऊं दोस्तों आपको मिले सबसे पहले। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आपकी पहली बुक है कौन सी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द गर्ल इन रूम पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए कौन है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला है चेतन भगत, दूसरा है आमिश त्रिपाठी और तीसरा है शिवराज सिंह चौहान, चौथा है मंजुलता। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जी फ्रेंड, इसका आंसर होगा चेतन भगत। द गर्ल इन रूम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अब दोस्तों आप इसको टेक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो अच्छे से याद करने की कोशिश करें क्योंकि टेक भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है द गर्ल इन रूम पुस्तक के लेखक कौन है और इसका आंसर है चेतन भगत, तो आप ऐसा भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि चेतन भगा गर्ल के रूम से, चेतन भगा गर्ल के रूम से, यानी आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों शिवराज चौहान मंजुलता, यहाँ पर जो ऑप्शन थे दोस्तों यहाँ पे है आपका नेक्स्ट इंडिया 2019 पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है राजीव महर्षि, आपका दूसरा ऑप्शन है अनुपम खेर, तीसरा है गोपाल स्वामी और चौथा है नरेंद्र मोदी। बताइए क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इनको बिल्कुल याद ही कर लें क्योंकि यहाँ से आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और चूंकि मैं यहाँ पे ट्रिक भी बता देता हूँ जिसकी ट्रिक बनती है, इससे आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा और आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अपने आप ही निकल के आएगा बाहर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्या, बताइए आप लोगों ने कर दिया कमेंट। राजीव महर्षि इसका आंसर होगा। जी फ्रेंड, इसका होगा राजीव महर्षि। अब आप इसको टेक किस तरीके से याद करेंगे दोस्तों, इसको आप इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है 2019 और इंडिया में अभी तक महर्षि का राज है, मीन्स कि अभी तक यहाँ पे जो महर्षि हुए हैं पिछले, उनकी जो पद्धतियां हैं उनको अभी अपनाया जाता है, जैसे कि आयुर्वेद हुआ, योगा हुआ इत्यादि। तो अभी तक इंडिया में 2019 में महर्षि का राज है, आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर, कौन सी है आपकी बुक। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेम है बुक का चेंज इन इंडिया, बुक के लेखक कौन है, यहाँ पे कौन ही लिख गया बट कौन है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चेंज इन इंडिया बेहद इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसका नाम याद होना चाहिए लेखक का, राइटर का। तो आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सोनिया जी एंड दिया है राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। बताइए कौन होगा, मनमोहन सिंह, सोनिया जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह, जो कि हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रख लेना, चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मनमोहन सिंह। तो इसके टेक है फ्रेंड्स कि साड़ा मनमानी करता है या फिर सिंह मनमानी, कोई भी आप यह समझ सकते हैं कि कोई ड्रेस चेंज करता है बार बार, कुछ भी चेंज करता है, तो साला मनमानी करता है, बार बार चेंज करता है मनमोहन सिंह, या सीन बार बार चेंज करता है मूवी में, मनमानी करता है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं आपके हिसाब से, बार बार चेंज करता है, मनमानी करता है, आपको बिल्कुल 100% यहाँ पे रिलेट हो जाएगा। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे मनमोहन सिंह आएगा ऑप्शन और ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक के नाम,
दोस्तों ये मेरा वो आजमाया हुआ नुस्खा है। जी हाँ फ्रेंड, जब आप एग्जाम देते हैं ना तो अधिकतर एग्जाम में ऐसा होता है कि आप याद तो कर लेते हैं बट वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और जब आप ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं ना दोस्तों तो बिल्कुल 100% आप जैसे ही उस ऑप्शन को देखोगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बार बार चेंज करता है साला, मनमानी करता है, तो चेंज से आपको तुरंत आ जाएगा दिमाग में ऐसे ऐसे मैंने याद किया था। और आप याद तो कर लोगे अभी 10-50 नेम, बट यदि ट्रिक से नहीं करोगे ना तो वहाँ पर कन्फ्यूजन इतना क्रिएट होगा कि आप गलती लगा के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम चांस है कि आप गलती लगा के आएंगे, इसलिए आप कनेक्ट किया करें और फिर याद किया करें हर एक चीज को, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपकी नेक्स्ट बुक है दोस्तों द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, द थर्ड पिलर। तो हाँ जी फ्रेंड्स, हम इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कुलदीप नैयर, सेकंड है रघुराम राजन, थर्ड है चेतन भगत, और फोर्थ नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए इसका आंसर, आप कमेंट कर दिया करें। तो जी फ्रेंड, इसका आंसर होगा रघुराम राजन। किसके लेखक हैं? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। जी हाँ दोस्तों, जी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे आपके उर्जित पटेल से पहले, यही थे रघुराम राजन। अब डियर फ्रेंड्स, आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक की हेल्प से, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे नेम क्या है, रघुराम राजन जो कि है राइटर द थर्ड पिलर पुस्तक के। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे रघुराम एक अलग पर्सन है और राजन अलग पर्सन है, तो समझिए कि दो हैं। अब क्या बोल रहा है कोई पर्सन, दे थप्पड़ रघुराम राजन को, यानी रघुराम नाम का एक लड़का है, रघुराम से दूसरा पर्सन बोल रहा है कि दे थप्पड़ रघुराम राजन को, किसको मार थप्पड़ राजन को। तो द थर्ड पिलर हो गया आपका कनेक्ट दे थप्पड़, है ना, द थर्ड पिलर दे थप्पड़ हो रहा है ना, तीनों वर्ड कनेक्ट हो रहा है ना, दे थप्पड़ रघुराम राजन को हो गया आज मिनटों में, आप कभी नहीं बोलेंगे आप। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही जादुई अंदाज है, आप बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट करके याद कीजिए, आपको ना हो तो फिर कहना, और कहीं आपको यह चीज आजमाना हो कि सर ट्रिक से याद जल्दी होता है कि ऐसे याद होता है, तो आप 10 क्वेश्चन इनको कीजिए जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक की हेल्प से, और 10 लीजिए बुक अलग से, और देखिए कि कौन सी आपकी लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि आप उनको भूल जाएंगे बट इसको नहीं भूलेंगे, आप इसको जैसे ही देखेंगे आप टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि नेक्स्ट बुक है हमारी फ्रेंड, रावण पुस्तक के लेखक कौन है। अब आपके ऑप्शन हैं सुनील मोदी, अमित त्रिपाठी, सप्रीता दास, और यहाँ पे लास्ट दिया है आपका अनिल सक्सेना। बताइए कौन है रावण पुस्तक के लेखक। आपको बता दें जो पर्सन रावण पुस्तक के लेखक हैं उन्होंने सीता और राम पुस्तक भी लिखी है, और अब आ गए रावण पे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अमित त्रिपाठी। जैसे कि इनकी हर एक बुक बेहद ही फेमस होती है फ्रेंड, और अधिकतर इनकी बुक पूछी जाती है हर एक एग्जाम में अमित त्रिपाठी की, तो आप रख लीजिए याद रावण पुस्तक के लेखक हैं अमित त्रिपाठी। अब इसको ट्रिक की हेल्प से कैसे याद करना है चलिए देखते हैं। इसको ऐसे याद रखें फ्रेंड, जैसे कि अमित एक पर्सन है जिसका नाम है अमित, और वो दे कह रहा है पार्टी, और कहाँ गया है पिकनिक पर, तो उससे कोई पर्सन बोल रहा है कि अमित की बाटी, यानी बाटी बना रहे हैं उन लोग, अमित की बाटी रावड़ की है, यानी रबड़ की है, रबड़ की। तो बस हो गए कनेक्ट रियल लाइफ से, अमित की बाटी रावड़ की है, तो रावड़ हो गए अमित त्रिपाठी हो गया यार। बस चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे लालू जी पर, लालू लीला बुक के लेखक कौन है। बुक है लालू लीला, इस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका सुशील मोदी, दूसरा है लालू यादव, और तीसरा कौन है, तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स आपका नाम तेज प्रताप यादव, और चौथा है कोई नहीं। बताइए क्या होगा, लालू लीला बुक के लेखक कौन है, राइटर। तो जी फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर है सुशील मोदी हैं लालू लीला बुक के लेखक। अब यहाँ पे आप ये नहीं समझना लालू लीला लालू यादव, नो, इसके रॉन्ग हो जाएगा ऐसा। इसका आंसर है सुशील मोदी लालू लीला बुक के लेखक हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। अब आप इसको पर्सन बाय पर्सन रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि लालू यादव, लालू की यादव की एक अलग पहचान है, और हमारे मोदी जी की एक अलग पहचान है। जैसे कि मोदी जी सुशील हैं, सज्जन हैं, आप सब समझते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि लालू
है लाल और सुशील है मोदी। लालू है लाल और सुशील है मोदी। सुशील मीन सज्जन है मोदी जी और लालू है लाल सुशील है मोदी। आप दो तीन बार ऐसा ट्राई करेंगे तो याद हो जाएगा। या फिर इसकी सेकंड ट्रिक ये है कि लालू की लीला सुशीला ने देखी। सुशीला कोई गर्ल है जिसने लालू की लीला देखी। बस हो गया यार, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड, आपकी नेक्स्ट बुक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक गुजरात यहाँ एक गुजरात वहाँ के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, एक गुजरात यहाँ एक गुजरात वहाँ पुस्तक के लेखक कौन है, जैसा कि बहुत से एग्जाम में इस बुक का नाम पूछा जा रहा है अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्णा। जी फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं कृष्णा। अब आपको कैसे याद रखना है, अब कृष्णा जी कौन है, भगवान, और गुरु जी क्या करते हैं, भगवान की पूजा। तो जो आप ट्रिक बनाएंगे उसको ऐसे ही कनेक्ट कर लें कि गुरु जी यहाँ वहाँ भटके कृष्णा की खोज में, यहाँ और वहाँ, गुजरात यहाँ और गुजरात वहाँ के लेखक कौन है, कृष्णा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि गुरु जी यहाँ वहाँ भटके कृष्णा की खोज में। बस हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपकी नेक्स्ट बुक क्या है, द आधार इफेक्ट बुक के लेखक कौन है। द आधार इफेक्ट बुक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, एन एस रामनाथ। आंसर क्या होगा फ्रेंड, एन एस रामनाथ। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है दोस्तों, आप समझते होंगे इफेक्ट। इफेक्ट का मीन्स क्या होता है, प्रभाव, आपका प्रभाव छोड़ना किसी के ऊपर है, किसी भी चीज का प्रभाव क्या रहता है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसका आधार का इफेक्ट राम ही जाने, आधार का इफेक्ट राम ही जाने, यानी इसका आधार का क्या प्रभाव पड़ेगा राम ही जाने। तो आप इसको याद रख सकते हैं, आधार का इफेक्ट एस राम ही जाने। अब जैसे दो पर्सन खड़े हैं और उनके बीच में कोई पर्सन बोल रहा है कि आधार का इफेक्ट एस राम ही जाने, इस आधार का इफेक्ट एस राम ही जाने। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बुक है आपकी फ्रेंड्स, राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा गौतम चिंतामणि। जी हाँ फ्रेंड, राजनीति पुस्तक के लेखक हैं गौतम चिंतामणि, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बिल्कुल लाजमी है। तो आप इसको ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स अभी आपको पता होगा क्रिकेटर गौतम आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि राजनीति में एंट्री गौतम की चिंता बढ़ी, राजनीति में एंट्री गौतम की चिंता बढ़ी। तो आप इसको चिंता बढ़ी से मड़ी, ओके, चलिए ऐसे याद रख सकते हैं। और अभी अच्छी अच्छी बना सके इससे तो आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं और आगे। नेक्स्ट बुक है आपकी सेडस ऑफ ट्रूथ बुक के लेखक कौन है। सेडस ऑफ ट्रूथ बुक के लेखक कौन है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी फ्रेंड, इसका आंसर होगा कपिल सिब्बल। किसके लेखक हैं, सेडस ऑफ ट्रूथ, सेडस ऑफ ट्रूथ बुक के लेखक हैं कपिल सिब्बल। अब चलिए इसको देखते हैं ट्रिक की हेल्प से याद करके। तो दोस्तों आप कपिल सिब्बल को कपिल शर्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए हम इनको ट्रिक में ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर किसी की भावना को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे ट्रिक में ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हम याद करना चाहते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कपिल शर्मा आप सैड हैं, किसे, टूथ से या टीथ से, टीथ को आप दांत मान सकते हैं, टीथ, आप सैड ऑफ और सैड्स, कपिल शर्मा आप सैड हैं किसे, टीथ से, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप कैसे भी करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कपिल शर्मा आप सैड हैं किससे, टीथ से, टूथ से, कुछ भी। तो आई थिंक दोस्तों आपको बेहद मजा आया होगा याद करने में। आपको जितनी भी बुक मैंने बताई हैं, आप सिर्फ एक बार इसका टेस्ट लिख लें तो विश्वास मानिए, आज आपने पढ़ लिया तो आप इसको नहीं भूल सकते। जी हाँ फ्रेंड, विश्वास माने, आप याद करके भी देख सकते हैं इस मेथड से और उस मेथड से आपको कितना डिफरेंस समझ में आ रहा है। हाँ जी फ्रेंड, यदि आनंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें नए हों चैनल पे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन मिले और उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।